तो वहीं दिल्ली में एक बार फिर जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुछ महीने हमने पहले आपको जहांगीरपुरी जगजीवन राम अस्पताल के पास रिंग रोड पर चोरी हुए फुट ओवर ब्रिज की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। जी मीडिया की खबर पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और एक बार फिर फुट ओवर ब्रिज दोबारा बनकर तैयार हुआ है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले चोरों ने इस फुट ओवर ब्रिज को निशाना बनाया था। स्टील की तमाम ग्रिल, टाइल्स, पत्थर, बिजली की तारें, सीसीटीवी और लिफ्ट भी चोरी कर दी थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज की गई थी। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर अब देखने को मिला है। सिर्फ और सिर्फ अभी लिफ्ट का काम बचा है, तो मतलब सरकार ने तो बहुत सारा काम अपना लगभग करा दिया। समस्या यह है कि इसकी देख रेखाव कैसे होगी। अभी तो डिपार्टमेंट को देखना है, पीडब्ल्यूडी को देखना है कि इसकी देखभाल कैसे हो, सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाए, सीसीटीवी लगाए जो भी लगाए, पर फिलहाल इसका सारा काम लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट का काम बाकी है अभी। तो लापरवाही तो मतलब हर जगह से थी, डिपार्टमेंट की लापरवाही भी थी कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे गए, कई हद तक पुलिस की भी लापरवाही थी। तो अब देखने को आ रहा है डेली पुलिस भी अपना राउंड मार ही रही है और अभी तो फिलहाल थोड़ी शांति बनी हुई है। लगने का तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं हो पा रहा, जिसपे लोग पहले चढ़ने से डरते थे, अपनी जान का खतरा बना रहता था, अब ग्रिल लगने से काफी सेफ्टी है। हाँ, अब तैयार हो गया, जब से कोई नहीं आता है अब गार्ड लगाए हुए हैं, 6 गार्ड है, यहाँ 2 दिन में रहते हैं और 4 नाइट में। यहाँ पर अधिकारी आते हैं करने के लिए? हाँ, आते हैं, देख की जा रही है। हाँ, कितने दिन से हैं आप? मैं 2 महीने से। जी मीडिया की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बाबू जगजीराम हॉस्पिटल के पास रिंग रोड पर एक फुट ओवरब्रिज था, जिसको चोर चुरा ले गए थे और जी मीडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद उसका असर भी अब आपके आंखों के सामने है। आप देख सकते हैं ये वही फुट ओवरब्रिज है जिसकी ग्रिल चोरी हो चुकी थी, तमाम जो इसके गार्डर्स लगे हुए थे वो चोरी किए जा चुके थे, और साथ ही जो चोर थे वो लिफ्ट भी चुरा कर ले गए थे। और ये जो फर्श आप देख रहे हो, सिर्फ ये फर्श हवा में लटका हुआ था, इस पर किसी का जाना किसी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि तेज हवा में नीचे गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था। लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं, जी मीडिया की खबर चलने के बाद एक बड़ा असर हुआ, जो तमाम ग्रिल हैं उनको लगा दिया गया है और फिर से इस पुराने पुल को नया बनाया गया है, इसको दुरुस्त किया गया है और साथ ही अब लिफ्ट लगाने का काम चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब पहले यहाँ से लोग गुजरते थे तो उनके साथ स्नैचर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे, चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले जाते थे, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ अब 6 सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए गए हैं, जिनकी दिन में भी ड्यूटी होती है और रात में भी यहाँ पर ड्यूटी होती है, तमाम पहलुओं पर यहाँ नजर रखी जाती है और चोर पर नजर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बनाए रखे हैं। अब बड़ा सवाल प्रशासन पर यह भी खड़ा होता है कि पहले जो फुट ओवर ब्रिज में करोड़ों रुपए लगाकर इसको तैयार किया गया था, उसके बाद लगातार सामान चोरी होता रहा, तो प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। लेकिन शिकायत और पत्राचार करने के बाद कुछ लोगों ने जब शिकायत पत्राचार की तो उस पर संज्ञान लिया गया, ये मामला हाईलाइट हुआ और मीडिया में लगातार खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और इस फुट ओवर ब्रिज को फिर से तैयार किया गया और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर अब सिक्योरिटी गार्ड भी छोड़े गए हैं। अब रूट पार्ट और चैन स्नैचिंग की वारदातें यहाँ घटना कम हो गया है, लेकिन अभी भी डर लोगों का बना हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ पर चोरों ने इस फुट ओवर ब्रिज को ऐसा निशाना बनाया, यहाँ से गुजरने वालों के साथ भी चोरी किया करते थे और साथ ही जो सामान था उसको भी चुराकर यहाँ से ले जाया करते थे। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।